नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। इंडोनेशिया के बाद अब सोलोमन आइलैंड में आज सुबह सुबह 7:33 बजे धरती डोल उठी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.0 मापी गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भूकंप का केंद्र राजधानी होनियारा से करीब 56 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में समुद्र की 13 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप जनित हादसों से इंडोनेशिया में अभी तक कम से कम 162 लोगों की मौत हुई है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है। दरअसल ट्विटर के प्रमुख एलन मस्क ने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन को फिर से लॉन्च करने पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि प्लेटफॉर्म यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि फर्जी खातों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर दिया जाता। पहले बताया जा रहा था कि ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन प्लान को 29 नवम्बर से फिर से शुरू किया जाएगा, लेकिन इस नए अपडेट के बाद यूजर्स को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे विपक्ष शासित राज्यों में नई पेंशन स्कीम की जगह एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब केंद्र की मोदी सरकार पर भी पुरानी व्यवस्था में लौटने की मांग तेजी से बढ़ रही है। बता दें कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू है। IPL का ये सीजन धोनी के लिए आखिरी सीजन होने वाला है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स है कि IPL 2023 के बाद ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभाल सकते हैं। इसके लिए टीम मैनेजमेंट ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होती है कि धोनी के बाद अगर ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी संभालते हैं तो किस तरीके से टीम को लीड करते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज हो चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्ची जल्दी जल्दी और प्रभावी शब्दों में भाजपा के सपोर्ट में गुजराती भाषा में भाषण देते वीडियो में नजर आ रही हैं। बच्ची के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। वह बच्ची को भाषण को सुनकर बहुत प्रभावी नजर आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में छोटी बच्ची का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कोरोनरी स्टेट को आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 में शामिल कर लिया है। बता दें कि इस कोरोनरी स्टेट दवा का इस्तेमाल हृदय रोगों के उपचार में होता है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जहां तक दवाओं का सवाल है, SNCM ने NLEM 2022 पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को रोजगार मेला के तहत करीब 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नव नियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्रों की भौतिक प्रतियां देश के 45 स्थानों पर सौंपी जाएगी। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में बड़ी संख्या में पदों की भर्ती की जा रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खास रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों पर जुर्माना तो लगाता है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता। रिपोर्ट कहती है कि इस साल 5 अगस्त को रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक पर कुछ नियमों का पालन न करने पर 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस बात की विस्तार से जानकारी नहीं दी कि बैंक ने किस तरह नियमों का उल्लंघन किया। ग्रेटर नोएडा में सोमवार रात एक तेज रफ्तार कार के एक पेड़ से टकरा जाने से इंस्टाग्राम स्टार राउडी भाटी उर्फ रोहित भाटी की मौत हो गई है। हादसे में भाटी के दो दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों का इलाज ग्रेटर नोएडा और दूसरे दिल्ली के अस्पतालों में चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में तीनों गंभीर रूप से घायल को जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान राउडी भाटी की मौत हो गई। रसना ड्रिंक को बनाने वाली कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष अहमदाबाद निवासी 85 वर्षीय अरिस पिरोजसा खंबाटा का 19 नवंबर को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। 1976 में खंबाटा ने रसना ब्रांड की स्थापना की थी। आज देश भर में कंपनी के 9 प्लांट है। देश में 26 डिपो के साथ कंपनी का वितरण नेटवर्क है। इसके अलावा 200 सुपर स्टॉकिस्ट और 5,000 स्टॉकिस्ट है। कुल मिलाकर कंपनी के पास 16 लाख आउटलेट्स का नेटवर्क है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का काम वर्ष 2024 में पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे लेकर सरकारी वैज्ञानिकों का एक ऐसा ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम विकसित करने के लिए कहा गया है, जिसके जरिए हर साल रामनवमी पर मंदिर में राम मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरण प्रदर्शित होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस संबंध में एक रेखा चित्र भी तैयार किया गया है, जिसमें रामलाल विराजमान और सूर्य देव की स्थिति को दर्शाया गया है।
बीजेपी दिल्ली की ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में आम आदमी पार्टी की कोई मीटिंग होती दिख रही है, जिसमें सीनियर लीडर व विधायक पर कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बुरी तरह से पिटाई कर दी है। आलमिया की विधायक गुलाब सिंह यादव को बीच मीटिंग छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक जी की कार्यकर्ता पिटाई कर रहे हैं व दौड़ाकर पीटे जा रहे हैं। आपके सभी भ्रष्टाचारी विधायकों व नेताओं को ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। NIA ने भीमा कोरेगांव के अभियुक्त प्रोफेसर आनंद तेल तुमंडे को जमानत देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के 18 नवंबर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद अब NIA की अपील पर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच 25 नवंबर को सुनवाई करेगी। बता दें कि आनंद तेल तुमंडे को साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उनके साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा ने भी NIA के सामने सरेंडर किया था। RRR के लेखक और SS रांझा मौली के पिता केवी विजेंद्र प्रसाद ने 53वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान इस साल की सुपरहिट फिल्म RRR के पार्ट 2 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि इस साल की सुपरहिट फिल्म RRR की कहानी पर मैं तैयारी कर रहा हूं। मैंने RRR के सीक्वल का आधार पूरी तरह से समझ लिया है और मैं इस पर काम कर रहा हूं। बीते दिन सांसद शशि थरूर उत्तरी केरल पहुंचे, जिसके बाद पार्टी के राज्य अध्यक्ष सुधाकरन ने अन्य नेताओं को सार्वजनिक बयान देने से बचने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि वे कुछ भी ऐसा न बोले जिससे पार्टी की एकता को नुकसान पहुंच सकता है। पार्टी के दबाव के बाद यूथ कांग्रेस ने कोझिकोड में एक कार्यक्रम से अपना हाथ खींच लिया, जहां सांसद को संघ परिवार और धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों के बारे में बात करनी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 महीने में जापानी कंपनी होंडा सिटी अमेज और WRV के डीजल वेरिएंट का प्रोडक्शन बंद करेगी। इसका सबसे बड़ा कारण 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाला रियल टाइम ड्राइविंग एमिशन मानदंड है। बता दें कि इन तीनों कार के डीजल वेरिएंट RDE मानदंड के लिहाज से खड़े नहीं उतर पाएंगे। RDE मानदंड पर खड़ा उतारने के लिए कंपनी को इनके इंजन में काफी बदलाव करने होंगे, इसलिए कंपनी इन तीनों कार के डीजल वेरिएंट को मार्केट से हटा सकती है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर में बताया है कि 22 नवंबर से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एयर सुविधा फॉर्म नहीं भरना होगा। बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए यात्रियों के लिए यह एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया था। फिलहाल कोरोना मामलों में गिरावट के बाद सरकार ने इसे रोक दिया है। झारखंड में हेमंत सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति ST को 28%, पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% और अनुसूचित जाति SC के लिए 12% आरक्षण लागू हो जाएगा। सरकार ने विधानसभा के स्पेशल सेशन में 2 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे थे। इसमें 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को कानूनी दर्जा देने के और दूसरा OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने को लेकर है। यह दोनों विषय मौजूदा सरकार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव सिर्फ मैदान पर ही चौके छक्के लगाने के शौकीन नहीं है, बल्कि कारों और बाइक्स का भी शौक रखते हैं। बता दें कि तेज बल्लेबाजी के साथ ही सूर्य कुमार को महंगी गाड़ियों का भी शौक है और उनके पास मर्सिडीज वेंज GLE कूपे BMW ऑडी और रेंज रोवर जैसी कई लग्जरी और महंगी कारें हैं। हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर अशोक पंडित ने बॉलीवुड के मशहूर कलाकार अमोल पालेकर पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। उन्होंने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में अशोक पंडित ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी और अमोल पालेकर की तस्वीर को शामिल किया है और लिखा है कि यह तस्वीर देखकर एक ही गाना याद आ सकता है, दो दीवाने शहर में रात में और दोपहर में आंबोदाना ढूंढते काशियाना ढूंढते हैं, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से सीतामढ़ी में मां सीता जी की 251 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जिसमें उनका साथ IIT पटना तकनीकी भी देगा। बता दें कि रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से एक टीम ने प्रोफेसर TN सिंह से मिलकर तकनीकी सहयोग की अपील की थी, जिसे संस्थान ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती अब भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों में जमीनी स्तर पर बड़ी भूमिका निभाएंगे। दरअसल अगले 2 वर्षों में होने वाले 2 बड़े चुनाव को लेकर भाजपा की राज्य इकाई को लगता है कि सुपरस्टार को पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों में बड़े पैमाने पर शामिल करने का यही सही समय है। इसके लिए 23 नवम्बर से विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार यानी कि कल से मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी पार्टी महासचिव जयराम रमेश के द्वारा आज ट्वीट कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते 7 सितंबर से आरंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा में अब तक प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी।
मुंबई पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के गुर्गे प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। बता दें कि यह संदेश ट्रैफिक पुलिस के नंबर पर बताते हुए दिया गया है। इससे पहले भी अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि अभी इस धमकी भरे संदेश को लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट की वजह से कतर में अंडों की मांग 3 गुना बढ़ गया है। नतीजतन नमक्कल से कतर को निर्यात किए जाने वाले अंडों की मात्रा बढ़कर 1.50 करोड़ हो गई है। बता दें कि वर्तमान में विश्व कप कतर में आयोजित किया जा रहा है, जिस वजह से वहां लाखों प्रशंसक प्रतियोगिता देखने के लिए आए हैं और यही वजह है कि अंडों की डिमांड यहां बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले ही सरकार का नेतृत्व करने के इच्छुक लोग पार्टी के आला कमान और जीतने वाले अधिकांश विधायकों के समर्थन को जुटाने एक रास्ता तलाश रहे हैं, जिसके लिए जीतने वाले उम्मीदवार के साथ पहले से ही संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री पद की पैरवी के लिए दिल्ली दौड़ रहे, वहीं भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार चुनाव हार भी सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को एक अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि भारत के साथ तल्ख रिश्ते की वजह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि दोनों देशों के बीच कश्मीर बड़ा मुद्दा था। उन्होंने कहा कि जब तक राष्ट्रवादी भाजपा सत्ता में है, तब तक भारत पाक के बीच अच्छे संबंध होने की कोई संभावना नहीं है। भाजपा सरकार इतनी कट्टर है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के मामले पर जदयू पर पलटवार करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ताकतवर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब ये दोनों पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा क्यों नहीं दिला पाए। जिन लोगों ने वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहने के बावजूद पटना विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं किया, वे आज ऊंची आवाज में रुदाली गा रहे हैं। भागलपुर जिले के घोघा इलाके में छोटी ओलपुरा निवासी प्रेम यादव के खेत से अद्भुत आकृति का करीब 3 फुट लंबी एक गोभी फला है। बता दें कि इस गोभी का ऊपरी भाग अर्थात मुंह भी सांप के तरह ही है, जिसके बाद लोगों ने इस गोभी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि रासायनिक दुष्प्रभाव के कारण ही इस प्रकार की गोभी उत्पन्न हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 22 और 23 नवंबर को होने वाली भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए कंबोडिया के सीएम ली पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री सह रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय से भी मुलाकात की। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, केशव नारायण मिश्रा, मोहम्मद नौशद राजा, फूलदेव यादव, राजकुमार प्रसाद, गुंजन सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा लगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।